नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का एक बहुत ही बड़ा बयान आया है, जिसको लेकर के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक हंगामा मच गया है। दोस्तों, अगर यह बात सच है तो ये वाकई बहुत चिंता की बात है। ये चिंता की बात है बांग्लादेश के लिए, चीन के लिए, भारत के लिए, म्यांमार के लिए। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये मान लीजिए कि ये US की बहुत बड़ी विजय होगी और भारत के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह हो जाएगा। चीन के लिए तो बिल्कुल दर्दनाक चीज़ हो जाएगी, ऐसा समझ लीजिए। कि दोस्तों, आइए दोस्तों समझते हैं कि न्यूज है क्या। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने एक बात बोली है। उन्होंने USA का नाम नहीं लिया है, उन्होंने बोला कि एक पश्चिमी देश है जो बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़ा है, वो चाहता है कि बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़ करके एक नया देश बनाया जाए। वो ये चाहते हैं कि वहाँ पे वो अपना मिलिट्री बेस बनाए। ये बात दोस्तों, ये बात उन्होंने तब बोली है जब वो अभी प्रधानमंत्री हैं और चुनाव जीत कर आई हैं। दरअसल अमेरिका ने कुछ समय पहले ये बोला था कि बांग्लादेश में जो चुनाव हुए हैं वो फेयर तरीके से नहीं हुए हैं, वो सही तरीका नहीं था। उन्होंने बांग्लादेश के चुनाव के बारे में तो बोल दिया, लेकिन पाकिस्तान में जो चुनाव हुए हैं उसके बारे में नहीं बोला। ये समझ में आता है अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड, वो इसका मतलब कुछ माइंड में चल रहा होगा। तो शेख हसीना जी का कहना है कि एक चुनाव के पहले एक अंग्रेज, एक गोरा व्यक्ति आया उनके पास और उनका ये कहना था कि हम आपको किसी भी तरीके की चीज़ जो इलेक्शन में होनी है, होने वाली है, उन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। आपको जैसा चुनाव लड़ना है लड़िए, अपने हिसाब से काम करिए, ना हम ह्यूमन राइट की बात करेंगे ना किसी भी चीज़ की, बस आप हमको एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए जगह दे दीजिए। लेकिन बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं ये कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, मेरी पार्टी बहुत मजबूत है और मैं इजी तरीके से चुनाव को जीत जाऊंगी, तो उन्होंने ऐसा सच कुछ एक्सेप्ट किया नहीं। दोस्तों, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री ये बात कह रही हैं, अब पता नहीं वो सही कह रही हैं या गलत कह रही हैं, लेकिन अगर US की हिस्ट्री देखें तो US ऐसा पहले कर चुका है कि उसने किसी देश को तोड़ करके कोई नया देश बना दिया है। दरअसल दोस्तों, एक इंडोनेशिया से टूट कर एक देश बना था जिसको बोलते हैं ईस्ट तिमोर, ये एक ईसाई कंट्री है। ये जो नया कंट्री बना था, इसको बनाने का श्रेय जाता है USA को। USA ने ही तुड़वा कर ये नया देश बनाया था। USA बहुत ताकतवर देश है दोस्तों, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी किसी भी चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो इस चीज़ को कर सकता है। हालांकि अभी की हम बात करें तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ऐसा कुछ करने नहीं जा रही हैं और म्यांमार जो देश है इस वक्त वो USA के ख़िलाफ़ है, अभी वो इसके साथ नहीं है। लेकिन कौन अभी ख़िलाफ़ है, कौन साथ है, इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। समय के साथ लोग बदल भी जाते हैं, जो आज ख़िलाफ़ हैं वही साथ भी आ जाते हैं। दोस्तों, अगर सपोज़ कोई नया देश बन जाता है, वहाँ पर मिलिट्री बेस मिल जाता है USA को, तो ये समझ लीजिए कि जो आज की इम्पोर्टेंस है इंडिया की USA में, वो इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। ये भारत के लिए बड़ी चिंता की बात होगी और साथ ही एक चिंता की बात तो ये होगी कि भारत के बॉर्डर के पास ही USA का मिलिट्री बेस होगा, ये भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। और चीन के साथ तो उसकी डबल चिंता, चीन के साथ इसलिए डबल चिंता हो जाएगी क्योंकि US और चीन तो दुश्मन है, एक दूसरे को धमकियां देते रहते हैं। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो चीन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हो जाएगा, बहुत ही दर्दनाक चीज़ हो जाएगी, क्योंकि फिर US पूरी तरीके से फ्रंट फुट में आके बैटिंग करना जिसको कहते हैं वैसा करेगा। जो साउथ चाइना सी में अभी चीन अपनी हरकतें करता है, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल ला देगा USA। अभी क्या है, USA बहुत दूर है, उसका मिलिट्री बेस इधर कहीं है नहीं। तो दोस्तों, एक तो ये चीज़ है, ये लेकिन हमारे लिए भी सिक्योरिटी थ्रेट होगा, इंडिया के लिए हमारी बार्गेनिंग पावर चली जाएगी, ये तो समझ में आता है।
लेकिन साथ ही साथ हमें एक थ्रेट भी मिलेगा यूएसए की तरफ से। यूएसए जो अभी भी हम लोगों को कभी कभी धमकी दे देता है, तब वो धमकी और ज़्यादा देगा, क्योंकि यूएसए को हमसे तब कोई काम नहीं होगा। यूएसए हम पे जल्दी सैंक्शन लगाएगा किसी भी चीज़ को लेकर के। हमें रसिया से व्यापार नहीं करने देगा, ईरान से हमें व्यापार नहीं करने देगा, या जिससे चाहेगा यूएसए उससे हम व्यापार करेंगे, जिससे चाहेगा जो चाहेगा वैसा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बार्गेनिंग पावर कहीं ना कहीं वो कम कर देगा जो अभी हम अपने हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं। तो दोस्तों, इससे भारत को भी ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे, कि कैसे भी हो करके म्यांमार इनके पाले पे ना जाए। और बांग्लादेश को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि यूएसए की यहाँ पे एंट्री नहीं होनी चाहिए इस सब कॉन्टिनेंट में। दोस्तों, अब इससे कुछ जुड़ी हुई न्यूज और जब जैसे जैसे आती जाएगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता जाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।